गुड मॉर्निंग एवरी वन। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग आवर सेकेंड यूनिट और पूरी सेकेंड यूनिट में हमें एक थ्योरम है जो मेजॉरिटी में पढ़नी है, दैट इज़ हैन बनांग थ्योरम। हैन बनांग थ्योरम हम अलग अलग चीज़ों के लिए पढ़ेंगे। जो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ दैट इज़ हैन बनांग थ्योरम फॉर रियल वेक्टर स्पेसेस। हमें ये थ्योरम नाउन स्पेसेस के लिए भी पढ़नी है, कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस के लिए भी पढ़नी है। तो आज जो सिर्फ पढ़नी है दैट इज़ रियल वेक्टर स्पेसेस। तो थ्योरम पढ़ने के लिए पहले कुछ चीज़ें हैं, कुछ डिफाइंस हैं जो आपको रिक्वायर्ड हैं। इस थ्योरम का जो नेम है ना, हम उसको एक्सटेंशन ऑफ लीनियर फंक्शनल्स भी बोलते हैं। क्यों इसको एक्सटेंशन ऑफ लीनियर फंक्शनल बोलते हैं? क्योंकि इस थ्योरम के अंदर जब आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि लीनियर फंक्शनल की हमें एक्सटेंशन फाइंड करनी होती है, एक्सटेंशन मिलती है हमें इससे, हैन बनांग थ्योरम से। ये एश्योर करती है कि हमें एक लीनियर फंक्शनल मिलेगा जो कि एक्सटेंशन होगी एक लीनियर फंक्शनल की। तो एक्सटेंशन, जब हमें एक्सटेंशन ही फाइंड करनी है सो वी शुड नो कि एक्सटेंशन है क्या, हमें पता होना चाहिए ना कि एक्सटेंशन होती क्या है। तो एक्सटेंशन बेसिकली क्या होती है, अगर हमने सपोज किया कोई सबसेट जेड ऑफ एक्स, ठीक है, दिस इज़ अ सबसेट ऑफ एक्स एंड एन ऑब्जेक्ट विच इज़ डिफाइंड इन ऑन जेड। एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने जेड पे डिफाइन किया हुआ, मीन्स अगर कोई मैपिंग है, ठीक है, लेट से अगर एफ से कोई मैपिंग है तो इसके अंदर जो डोमेन में एलिमेंट्स डालने हैं वो हमें जेड के पता है। हमें ये पता है कि अगर हम जेड के एलिमेंट्स डालेंगे तो हमें यहाँ क्या मिलेगा। डिफाइन का यही मतलब है कि हमें पता है कि यहाँ जेड का कौन सा एलिमेंट डालेंगे तो इधर कौन सा एलिमेंट मिलने वाला है। वी वॉन्ट टू एक्सटेंड दिस ऑब्जेक्ट ऑन द एंटायर एक्स। हम क्या करना चाह रहे हैं, जब हम कहते हैं कि हम एक्सटेंशन फाइंड कर रहे हैं तो हम क्या करना चाहते हैं, उस फंक्शन की जो डोमेन है उस डोमेन को बड़ा करना चाहते हैं। तो z से बड़ा यहाँ x है तो हम क्या चाहते हैं कि हम x के एलिमेंट्स की भी इमेज फाइंड कर सकें। बट वो एक्सटेंड ऐसे करना होता है कि जो z के ऊपर डिफाइन किया हुआ है ना, मीन्स जो इसके अंदर वाले एलिमेंट्स हैं वो जिस टाइप से डिफाइन किया हुआ था वो डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। मतलब एक नया फंक्शन तो हम ले आए, लेट से एक नया फंक्शन हम ले आए f1, बट ये f1 ऐसा होना चाहिए कि जब भी f1 में x डालें तो वो कौन सा वाला मिले, जब हमने f के अंदर x डाला था फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू z, z के किसी भी एलिमेंट की इमेज को वो डिस्टर्ब ना करे। इस टाइप से हमें एक नया फंक्शन लेके आना होता है, बट हम उसके अंदर, अब इस f1 के अंदर हमें z के अलावा भी और एलिमेंट्स जो x के होंगे, मतलब यहाँ यहाँ पे जो एलिमेंट्स होंगे उनकी भी इमेजेस हमें पता होंगी कि वो क्या क्या होने वाली हैं। तो इसलिए हमने लिखा है सपोज z इज़ अ सबसेट ऑफ x एंड एन ऑब्जेक्ट विच इज़ डिफाइंड ऑन z, वी वॉन्टेड टू एक्सटेंड दिस ऑब्जेक्ट ऑन एंटायर x। हम पूरे x के ऊपर इसको एक्सटेंड करना चाह रहे हैं इन सच अ वे दैट द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स अनचेंज। बेसिक प्रॉपर्टीज मीन्स वो जिस टाइप से डिफाइन था z के अंदर वो x के अंदर भी उसी टाइप से डिफाइंड होना चाहिए ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो z ने डिफाइन किया हुआ है हम उसको चेंज नहीं करेंगे, हम उसके अलावा x के और एलिमेंट्स को हम ऐड कर देंगे, डोमेन को बड़ा कर देंगे कि हमें x के भी एलिमेंट्स की इमेजेस मिले। सो जो हैन बनांग थ्योरम करेंगे उसमें जो ऑब्जेक्ट है जिसको हमें एक्सटेंड करना है दैट इज़ अ लीनियर फंक्शनल, और ये जो कैपिटल एक्स जिसके ऊपर हमें एक्सटेंड कर रहा है, मीन्स जो जेड है जिसके ऊपर वो लीनियर फंक्शनल डिफाइन है, एक्सटेंड किसको करना है, लीनियर फंक्शनल को। तो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे कौन है, लीनियर फंक्शनल, और जेड क्या है, यहाँ सब स्पेस है किसी वेक्टर स्पेस का, ठीक है। तो हमें जेड से एक्स तक लेके जाना है इस लीनियर फंक्शनल को, और वो फंक्शनल कुछ इस टाइप का है कि वो कुछ बाउंडेडनेस की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है, और वो बाउंडेडनेस की प्रॉपर्टीज़ इन टर्म्स ऑफ सब लीनियर फंक्शनल है। ये जस्ट एक बेसिक आइडिया दे रही हूँ कि हैन बनांग थ्योरम में हमें क्या करना है और किस टाइप की एक्सटेंशन करनी है। अभी तक थ्योरम स्टार्ट नहीं हुई है, अभी तक हम सब अपना बेस डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट डेफिनेशन इज़ अ सब लीनियर फंक्शनल,
क्योंकि यहाँ हमने बोला कि जो बाउंडेडनेस प्रॉपर्टी होगी उस लीनियर फंक्शनल की, दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ सब लीनियर फंक्शनल. तो सब लीनियर फंक्शनल क्या है हमें ये भी पता होना चाहिए. सो डेफिनेशन ऑफ सब लीनियर फंक्शनल इज अ रियल वैल्यूड फंक्शनल. फंक्शनल तो वो होना ही चाहिए. अ रियल वैल्यूड फंक्शनल पी ऑन अ वेक्टर स्पेस एक्स, ठीक है, किसी वेक्टर स्पेस एक्स के ऊपर विच सेटिस्फाइज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. और दो प्रॉपर्टीज क्या हैं, फर्स्ट इज सब एडिटिव एंड द सेकेंड वन इज पॉजिटिव होमोजीनियस. तो अब ये पॉजिटिव होमोजीनियस एंड सब एडिटिव क्या हैं, अब ये देखते हैं. सब एडिटिव का क्या मीनिंग होता है? सब एडिटिव का मीनिंग है कि अगर मैं दो एलिमेंट्स लूँ डोमेन से, ठीक है, अब ये लीनियर फंक्शनल है ना, तो लीनियर फंक्शनल कहाँ होगा, किसी वेक्टर स्पेस से लेके सेट ऑफ रियल्स तक, ऐसे ही होता. तो हमने क्या करना है, इसके दो एलिमेंट्स पिक करने और इसके दो एलिमेंट्स के ऊपर कलेक्टिवली दोनों को ऐड करके पी ऑफ एक्स प्लस वाई चेक करना है. अगर पी ऑफ एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू पी एक्स प्लस पी वाई आ गया फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग्स टू दिस एक्स, तो हम बोलेंगे कि वो क्या है, सब एडिटिव होती है. ठीक है, एडिटिव में हम यहाँ इक्वल पढ़ते हैं, सब एडिटिव में लेस देन और इक्वल्स टू पढ़ते हैं. सेकेंड प्रॉपर्टी थी पॉजिटिव होमोजीनियस. सो पॉजिटिव होमोजीनियस का क्या मीनिंग है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली जो टर्म्स होती हैं, मतलब पी ऑफ अल्फा एक्स, एक्स कहाँ से है, एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ एक्स एंड वॉट इज अल्फा, अल्फा इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो, मीन्स अल्फा इज अ पॉजिटिव नंबर, तो इसलिए हमने इसको नेम दिया पॉजिटिव होमोजीनियस. तो ये क्या होना चाहिए, अल्फा बाहर आ जाना चाहिए और जो पी है वो एक्स के ऊपर अप्लाई होना चाहिए. डन, तो हमें ये पता लग गया कि सब लीनियर फंक्शनल क्या होता है, हमें ये पता लग गया कि एक्सटेंशन क्या होती है. अब हम आते हैं अपनी सेक्शन की थ्योरम नंबर वन पे, दैट इज हान बनांग थ्योरम फॉर रियल वेक्टर स्पेसेस. सो लेट एक्स बी अ रियल वेक्टर स्पेस, पहली चीज़ हमने यही लेट की, एक्स क्या है, एक रियल वेक्टर स्पेस है. पी इज अ सब लीनियर फंक्शनल ऑन एक्स, एक्स के ऊपर डिफाइन किया हुआ पी एक सब लीनियर फंक्शनल है. फर्दर मोर, मतलब और क्या क्या चीज़ हमें रिक्वायर्ड है, एफ हमने लेट किया एक लीनियर फंक्शनल, एफ एक लीनियर फंक्शनल है विच इज डिफाइंड ऑन अ सब स्पेस जेड ऑफ एक्स. मैंने आपको बताया था ना कि हम एक सबस्पेस के ऊपर एक लीनियर फंक्शनल डिफाइन करेंगे और उसके एक्सटेंशन फाइंड करेंगे. तो जेड एक सबस्पेस ले लिया किसी वेक्टर स्पेस एक्स का, एफ एक लीनियर फंक्शनल है और मैंने बोला था वो कि कुछ बाउंडेडनेस की प्रॉपर्टी आएगी और वो बाउंडेडनेस की प्रॉपर्टी इन टर्म्स ऑफ क्या होगी, इन टर्म्स ऑफ सब लीनियर फंक्शनल होगी. तो ये हमने बाउंडेडनेस की प्रॉपर्टी के लिए लिखा एंड सेटिस्फाइज f of x less than or equals to p of x for all x belongings to z, क्योंकि f जो डिफाइन है वो तो z के ऊपर ही डिफाइन है. तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ये हम एक लीनियर सब लीनियर फंक्शनल से बाउंडेड है, ये लीनियर फंक्शनल, ठीक है. देन f has a linear extension, तो f के पास एक लीनियर एक्सटेंशन आएगी f tilde, इसको बोलते हैं f tilde, फ्रॉम जेड टू एक्स सेटिस्फाइंग, कि इसका सेम प्रॉपर्टी ये भी सेटिस्फाई करेगा, मीन्स ये भी बाउंडेड होगा उसी सब लीनियर फंक्शनल से जिससे f बाउंडेड था. सो दैट मीन्स, मतलब क्या रिजल्ट निकला इसका, कि दैट इज f tilde इज अ लीनियर फंक्शनल ऑन x, क्योंकि हमने क्या किया, इसकी एक्सटेंशन ली है f की. अब हमने z के प्लेस पे कहाँ पे डिफाइन किया है, एफ टिल्डे को x के ऊपर, और वो सेटिस्फाई करता है थ्री स्टार मीन्स ये वाली इक्वेशन ऑन x. एंड अब क्योंकि ये एक्सटेंशन है, तो एक्सटेंशन में मैंने आपको बोला था कि हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे जो हमने पहले से ही z के ऊपर डिफाइन किया होगा f को. सो f टिल्डे ऑफ x इज f ऑफ x फॉर एवरी z बिलोंग्स टू x. z वाले पॉइंट्स को डिस्टर्ब नहीं करना, जो उनकी इमेज थी वो वही रहने वाली है, सिर्फ जो नई इमेजेस आएंगी वो किसके लिए आएंगी, x के लिए आएंगी. सो अब बेसिकली अगर मैं डायग्रामेटिकली देखूँ तो क्या होगा, x कोई हमारा रियल वेक्टर स्पेस है, z उसका कोई सब स्पेस है, हमारे पास एक लीनियर फंक्शनल है जो f से z के ऊपर डिफाइंड है, लीनियर फंक्शनल f है जो z पे डिफाइंड है, मीन्स z से स्टार्ट अगर उसकी रेंज r होगी, क्योंकि फंक्शनल की तो रेंज ही r होती है,
हम रियल की बात करें इसलिए रियल है, नहीं तो कॉम्प्लेक्स से भी स्केलर्स आ सकते हैं। और हमें क्या करना है, एक नया फंक्शनल डिफाइन करना है जो कि क्या है, एफ़ की एक्सटेंशन है। और एक्सटेंशन कैसी है, क्या उसकी डोमेन क्या हो चुकी है, कैपिटल एक्स। तो ये पूरे एक्स से लेके आर तक डिफाइन है। तो इस थ्योरम को हम प्रूफ करेंगे कुछ स्टेप्स में, बेसिकली 3 स्टेप्स में प्रूफ करने वाले हैं। सो वन बाय वन आज की वीडियो में हम सब फर्स्ट स्टेप करेंगे। तो पहले देखते हैं कि स्टेप्स क्या क्या हैं। विल प्रूफ दिस थ्योरम इन द फॉलोइंग स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप क्या है, द सेट ई ऑफ ऑल लीनियर एक्सटेंशंस जी ऑफ एफ सेटिस्फाइंग जी एक्स लेस देन इक्वल्स टू पी एक्स ऑन द डोमेन डी जी कैन बी पार्शली ऑर्डर्ड एंड ऑन स्लैमा यील्ड्स अ मैक्सिमम एलिमेंट एफ टिल्डे ऑफ ई। तो हमें एक सेट कंसिडर करना है ई, और उस सेट के अंदर एलिमेंट्स कैसे होंगे, लीनियर एक्सटेंशंस होंगी एफ की। ठीक है, एक ऐसा सेट जिसके अंदर f की लीनियर एक्सटेंशंस होंगी और वो लीनियर एक्सटेंशंस बाउंडेड होंगी बाय सब लीनियर फंक्शनल p ऑन द डोमेन ऑफ g, और हम उसको एक पार्शियल ऑर्डरिंग में अरेंज कर पाएंगे, उसको पार्शियली ऑर्डर बोल पाएंगे, मीन्स उसके ऊपर एक पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है, जिन लोगों ने पार्शली ऑर्डरिंग सेट या पार्शली ऑर्डर क्या होता है ये नहीं पढ़ा है, उन लोगों के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में अपने वीडियोस का लिंक दे दूंगी जिसमें मैंने पार्शल ऑर्डरिंग सेट्स पूरा डिफाइन किया हुआ है, पूरे अच्छे से कराया हुआ है। और इससे आगे हमें यूज़ होगा चेन का, तो मैं चेन का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जिन लोगों ने ये नहीं पढ़ा है कि वो क्या होता है या वो पढ़ना चाहते हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक में वीडियोज़ देख सकते हैं। सो ऑन द डोमेन डी जी कैन बी पार्शली ऑर्डर्ड एंड उसके बाद पार्शल ऑर्डर जब हम कर पाएंगे तो उसके ऊपर जॉन्स लेमा अप्लाई हो जाएगा और जॉन्स लेमा से हमें एक मैक्सिमल एलिमेंट मिलेगा एफ टिल्डे जो कि किसके ऊपर डिफाइन ई का। ठीक है, और सेकेंड स्टेप में क्या है कि ये जो एफ टिल्डे मिला, दिस एफ टिल्डे इज डिफाइंड ऑन द इंटायर स्पेस एक्स। जो हमें एक्सटेंशन फाइंड करनी है ना, बेसिकली हम इसी एफ टिल्डे की हेल्प से इसी एफ टिल्डे को हम एक एक्सटेंशन डिफाइन करेंगे जो हमें रिक्वायर्ड है। और सी पार्ट में हम एक ऑक्सिलरी रिलेशन करने वाले हैं जो कि हमने बी में यूज़ किया था। तो 3 स्टेप्स क्लियर हो गए कि पहले एक ई सेट डिफाइन करना है जो कि लीनियर एक्सटेंशंस का है जी की, और वो लीनियर एक्सटेंशंस कैसे हैं, बाउंडेड हैं एक सब लीनियर फंक्शनल से। उसके बाद उनके ऊपर एक पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन डिफाइन करना है, फिर जॉन्स लेमा अप्लाई करके एक मैक्सिमल एलिमेंट फाइंड करना है। सेकेंड स्टेप में हम क्या प्रूफ करेंगे कि ये जो एफ टिल्डे है, जो मैक्सिमल एलिमेंट हमने फाइंड किया है ई का, ये पूरे के पूरे स्पेस एक्स के ऊपर डिफाइन है। और थर्ड पार्ट में हम एक ऑक्सिलरी रिलेशन करेंगे। सो अब हम स्टार्ट करते हैं स्टेप वन से। स्टेप वन में अब ई फंक्शन डिफाइन करना है, तो लेट ई बी द सेट ऑफ ऑल लीनियर एक्सटेंशंस जी ऑफ एफ विच सेटिस्फाइज जी एक्स लेस देन इक्वल्स टू पी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू डोमेन ऑफ जी। तो अगर इसको मैथमेटिकली लिखना चाहें तो क्या होगा, ई इज इक्वल्स टू जी सच दैट जी इज एन एक्सटेंशन ऑफ एफ एंड जी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू पी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू डोमेन ऑफ जी। अब क्लियरली ई इज नॉन एम्प्टी, क्यों, क्योंकि f तो e से बिलोंग करता है। जैसे हर एलिमेंट, जैसे हर सेट खुद का सबसेट होता है, ऐसे ही हर फंक्शन खुद की तो एक्सटेंशन होती है। तो f क्या है, f खुद की एक्सटेंशन होगा, और f ऑफ x इज लेस देन इक्वल्स टू पी एक्स तो है ही है जब जब x f की डोमेन से बिलोंग करता है। तो इसने सारी तो कंडीशन सेटिस्फाई कर ली ई से बिलोंग करने की, सो दैट मीन्स कि ये जो एफ है ये ई से बिलोंग करता है। तो अगर एक एलिमेंट मिल गया तो ये ई जो सेट है दैट इज़ नॉन एम्प्टी ना। अब हम डिफाइन करेंगे पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन सेट ई के ऊपर। तो ई सेट के ऊपर हमने जो पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन डिफाइन किया दैट इज एज फॉलोज, जी लेस देन इक्वल्स टू एच, मतलब g इज रिलेटेड टू h। ये मैथ्स वाला लेस देन इक्वल्स टू नहीं है, ये लेस देन इक्वल्स टू एक सिंबल है जो कि हमें बता रहा है कि g h से रिलेटेड है। और हम कब लिखेंगे कि g h से रिलेटेड है, इफ h इज एन एक्सटेंशन ऑफ g। जब राइट साइड वाला लेफ्ट साइड के एक्सटेंशन बनेगा तब हम लिखेंगे कि फर्स्ट वाला इज लेस देन इक्वल्स टू सेकेंड।
व्हेन जी एंड एच बिलोंग्स टू ई, ये दोनों एलिमेंट्स कहाँ से आने चाहिए, ई से आने चाहिए. अगर ये इसके एक्सटेंशन है तो इसकी डोमेन बड़ी होगी, सो डोमेन ऑफ एच कंटेन्स डोमेन ऑफ जी आर. और क्योंकि ये इसके एक्सटेंशन है तो जी ने जिस टाइप से डिफाइन किया हुआ होगा उसको एच डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो एच एक्स इज इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू डोमेन ऑफ जी. ठीक है, अब क्योंकि पार्शियल ऑर्डरिंग आ गया है, देखो ये पार्शियल ऑर्डरिंग क्यों है, क्योंकि पार्शियल ऑर्डरिंग के लिए क्या क्या तीन कंडीशंस होती हैं. फर्स्ट इज रिफ्लेक्सिव, मीन्स वो खुद से रिलेटेड होना चाहिए. तो क्या ये खुद से रिलेटेड है, मीन्स अगर मैं यहाँ पे कोई एक एलिमेंट लिख दूँ तो वो खुद की तो एक्सटेंशन होती है ना, तो रिफ्लेक्सिव हो गया. सेकेंड एंटी सिमेट्रिक, वो भी आप चेक करके देख सकते हैं. ट्रांजिटिव, अगर फर्स्ट वाला सेकेंड की एक्सटेंशन है, सेकेंड वाला थर्ड की एक्सटेंशन है, तो फर्स्ट वाले की एक्सटेंशन थर्ड भी बन जाएगा, तो ट्रांजिटिव भी हो जाएगा. तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए मैंने लिखा है कि दिस इज अ पार्शियल ऑर्डरिंग. अब हम क्या करेंगे, एक चेन डिफाइन करेंगे. फॉर एनी चेन सी विच इज़ अ सबसेट ऑफ ई, ई की हमने कोई चेन ली. चेन क्या होती है, जिसके सारे एलिमेंट्स कंपेरेबल होते हैं. सो वी डिफाइन, एक नया फंक्शन डिफाइन करेंगे, जी कैप. जी कैप बिलोंग्स टू सी सच दैट. अब ये किस टाइप से डिफाइन करें, हम सी का एक एलिमेंट हमने उठाया है और वो कब कब डिफाइन है, ये जो जी कैप ऑफ एक्स है दैट इज इक्वल्स टू जी एक्स, जब भी एक्स कहाँ से आएगा, डोमेन ऑफ जी से आएगा. तो हमने जी की हेल्प से एक नया फंक्शन डिफाइन किया, जी कैप. नाउ क्लियरली जी कैप इज लीनियर फंक्शनल. लीनियर फंक्शनल के लिए हम कब बोलते हैं कि एफ इज अ लीनियर फंक्शनल, इफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई के ऊपर एफ अप्लाई करो और ये क्या आ जाए, अल्फा टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस बीटा टाइम्स जी एफ ऑफ वाई, यही होता है. और x और y कहाँ से होते हैं, x और y होते हैं हमारे डोमेन ऑफ f से, और अल्फा बीटा स्केलर्स की फील्ड से आते हैं. तो यहाँ पे हमने क्या लेट किया, g कैप ऑफ अल्फा x प्लस बीटा y. अब x और y कहाँ से लिए हैं, डोमेन ऑफ g से लेंगे, क्योंकि हमने तो g कैप को डिफाइन ही कब किया, जब ये डोमेन ऑफ g से होंगे, तो अल्फा x प्लस बीटा y डोमेन ऑफ g से बिलोंग करता है. तो x और y भी तो डोमेन ऑफ g से बिलोंग करेंगे, बिकॉज डोमेन ऑफ g इज अ वेक्टर स्पेस. तो अगर ये यहाँ से बिलोंग, तो जी मतलब लीनियर है, जी तो हमें पता है कि जी इज़ अ लीनियर फंक्शनल. तो जी अगर लीनियर फंक्शनल है तो ये इसके तो स्केलर्स बाहर आ जाएंगे दोनों. तो जी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई क्या होगा, अल्फा जी एक्स प्लस बीटा जी वाई. डन. एक्स कहाँ से है, डोमेन ऑफ जी से. वाई कहाँ से है, डोमेन ऑफ जी से. सो जी इज इक्वल्स टू जी कैप होगा एक्स और वाई दोनों के लिए. सो अल्फा टाइम्स जी कैप एक्स प्लस बीटा टाइम्स जी कैप ऑफ वाई. तो ये लीनियर फंक्शनल के डिफाइन आ गए. सो जी कैप इज अ लीनियर फंक्शनल. ऑल्सो जो डोमेन होगी जी कैप की वो क्या होगी, देखो जी के अंदर एलिमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं, जी के अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं डोमेन ऑफ जी से. जी कैप के अंदर एलिमेंट्स आए डोमेन ऑफ जी से, और ये जी कहाँ से है, चेन में से. तो ओवरऑल जो जी कैप की डोमेन बनी वो क्या बनी, डी उन सब फंक्शनल, उन सब लीनियर फंक्शनल की डोमेन का यूनियन जो कि इस चेन से बिलोंग करते हैं, क्योंकि हमने ये गिवन लिया कि ये चेन से बिलोंग करना चाहिए. तो ऐसे लीनियर फंक्शनल्स की डोमेन का यूनियन जो कि सब कहाँ से हैं, चेन से आ रहा है. अब ये क्योंकि डोमेन ऑफ जी इज़ अ वेक्टर स्पेस एंड सी इज़ अ चेन, तो ये जो पूरी यूनियन बनेगी ये भी क्या बनेगी, वेक्टर स्पेस बनेगी. नेक्स्ट स्टेप में हमने क्लेम करना है कि ये जो जी कैप है ये अपर बाउंड है सी का, क्योंकि जॉन्स लेमा में हम यही बोलते हैं कि अगर हर चेन के पास एक अपर बाउंड मिल जाए तो उसके पास एक मैक्सिमल एलिमेंट आता है, और हमें मैक्सिमल एलिमेंट ही फाइंड करना है. तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि ये प्रूफ करेंगे कि जी कैप इज एन अपर बाउंड ऑफ सी. जो जी कैप है वो अपर बाउंड बनेगा, क्यों, क्योंकि अगर मैं कोई एलिमेंट लूँ जो डोमेन ऑफ जी वन इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी टू से बिलोंग करता है, ठीक है, दोनों के इंटरसेक्शन से अगर मैंने एलिमेंट लिया और ये जी वन जी टू कहाँ से आ रहे हैं, सी से आ रहे हैं, सो दिस इम्प्लाइज कि जी वन एक्स इज इक्वल्स टू जी टू एक्स, क्योंकि ये एक्स कहाँ से है, दोनों से कॉमन लिया, और इमेज तो एक ही होती है किसी फंक्शन की, तो जी वन एक्स इज इक्वल्स टू जी टू एक्स होगा.
सिंस सी इज़ अ चेन, सी चेन है, तो चेन है तो एलिमेंट्स कंपेरेबल होंगे, तो या तो जी वन लेस देन इक्वल्स टू जी टू होगा या जी टू लेस देन इक्वल्स टू जी वन होगा. मीन्स या तो जी वन जी टू से रिलेटेड होगा या फिर जी टू जी वन से रिलेटेड होगा. सो क्लियरली ये जो जी है, जितने भी जी सी से बिलोंग करेंगे वो सारे के सारे जी कैप से छोटे होने वाले हैं. सो दिस एम्प्लाइज की जी कैप इज व्हाट, जी कैप इज एन अपर बाउंड फॉर सी. ये बन गया अपर बाउंड. सिंस सी इज अ चेन विच हैज एन अपर बाउंड, सी एक चेन है जिसके पास अपर बाउंड है, एंड सी इज एन आर्बिट्ररी चेन, कोई भी आर्बिट्ररी चेन पिक की थी, तो दैट मीन्स अगर सी के पास अपर बाउंड है तो हम जितनी भी चेन्स लेंगे उन सबके पास अपर बाउंड मिलेगा. तो जॉन्स लेमा अप्लाई हो जाएगा. जॉन्स लेमा क्या बोलता है कि अगर हर चेन के पास अपर बाउंड आता है तो उस सेट के पास मैक्सिमल एलिमेंट भी मिलेगा. तो ई के पास एक मैक्सिमल एलिमेंट होगा. हम लेट करते हैं कि वो मैक्सिमल एलिमेंट क्या है, एफ टिल्डे. सो अगर ये ई का ही एलिमेंट है तो जो ई की प्रॉपर्टीज है उनको सेटिस्फाई करेगा. तो ई के अंदर कैसे फंक्शनल्स जा रहे हैं जो कि लीनियर एक्सटेंशन है एफ की, और जो कि बाउंडेड है लीनियर फंक्शनल पी से. तो इसको हमने नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 4 का. इसके साथ हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप. थैंक यू.